इस नए भारत के अंदर हम सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता के लिए जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, मेरी जुबानी मेरी कहानी यानी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने, जिससे वे भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी रख सके और जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है। 15 नवंबर जनजातीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सुदूर झारखंड के गांव से इस योजना को प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यह योजना देश के अंदर हर राज्य में हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने के क्रम में आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में 26 जनवरी तक देश के सभी गांवों को सभी नगर निकायों को कवर करना है, जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाना है, मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से जिन्हें लाभ मिला है उन्हें जनता जनार्दन के सामने कहना है, जो नए लाभार्थी है उन्हें सर्टिफिकेट देना है और जो लोग अभी योजना से वंचित रहे हैं उनका नाम उसके साथ जोड़ते हुए उन्हें योजनाओं से आच्छादित करने के लिए फिर एक विशेष अभियान चलाना है। भाइयों बहनों, आज परिणाम क्या है? आज इसका परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक गरीबों के शौचालय बने, जिनमें से लगभग 3.25 करोड़ उत्तर प्रदेश में बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के देश के अंदर आवास बने, उनमें से 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अंदर बने। 50 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग जो देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की इस योजना में कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उजाला योजना के अंतर्गत प्रदेश में एलईडी लाइट उपलब्ध कराई जा रही है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत अन्य तमाम योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जो व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिनको लाभ मिल चुका है उनको बधाई देता हूं। जिनको आज सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहे हैं उनको भी मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और जो वंचित हैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें भी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना के साथ अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सूचना और प्रसारण